अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनीस मलिक है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। अच्छा, मैं एक ब्रांड न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग ये सीखेंगे कि आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब इंटरनेट से अर्निंग हर कोई वाकिफ है कि भाई इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं हर लोग, और लोग अर्निंग कर भी रहे हैं और अच्छा खासा एक ह्यूज अमाउंट भी कमा रहे हैं। अब इसके ना तो कोई एक कोर्सेज होते हैं कि आप जाके किसी सेंटर में आप पढ़ने कि भाई इंटरनेट से सर अर्निंग किस तरीके से होती है, वहाँ पर आप मेरे सीखने, इस तरीके से कोई इसके कोर्सेज भी नहीं होते। अच्छा, इंटरनेट से कमाने के मैं 100 वेज हैं, तकरीबन आप 100 तरीक़ों से कमा सकते हैं अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है। अगर आप एक चीज़ के अंदर भी अपने आप को एक्सपर्ट कर लो तो आप वेल एंड गुड, आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो कुछ मैंने सॉर्टिंग की है कुछ तरीक़ों की जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, देखिए पहला तो मैंने आप लोगों के लिए रखा है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का। अच्छा, हर किसी के पास अब स्मार्टफोन है, हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, वो कैमरे भी अच्छे हैं इसके अंदर। अब लोग जो है क्या कर रहे हैं कि वो इसको से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं इसका बताऊंगा कि आप लोग इसको किस तरीके से इसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाएं, इस स्मार्टफोन के थ्रू अपनी वीडियोस बनाएं, इंटरनेट के ऊपर लाएं और अर्निंग अपनी स्टार्ट करें। अगर देखिए, आपके पास सबसे पहली बात आपके अंदर आपको खुद को टैलेंट पैदा करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि कोई आपकी मदद करेगा नहीं। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर टैलेंट पैदा करना होगा कि आया कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, ये तो आप ख़त्म कर दें। हाँ, कि मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने अंदर पैदा कर दें, आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने जो इसके अंदर सॉर्टिंग की है, पहले ही तो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स। अच्छा, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट क्या होती है कि जो वीडियो की वेबसाइट होती है, जैसे यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब से हर कोई वाकिफ है। दूसरी चीज़ हमारी दूसरी वेबसाइट है हमारी डेली मोशन, डेली मोशन भी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तीसरी हमारी वेबसाइट है tune.pk, तीसरी हमारी वेबसाइट है tune.pk। अच्छा, इसके ऊपर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, तीनों में डिफरेंट क्या है, यूट्यूब अब हम सबको पता है कि देखिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो इस बात से वाकिफ होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको उनकी मैं नॉलेज में लेकर आता हूँ कि यूट्यूब जो है अब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। आप लोग किसी और का कंटेंट नहीं लगा सकते, किसी और की वॉइस आप उसके अंदर नहीं कर सकते, दूसरे का कंटेंट आप उसके अंदर कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, डेली मोशन के अंदर ये है थोड़ा बहुत, अगर यूट्यूब 90% रिस्ट्रिक्ट रखता है, बल्कि यूट्यूब तो 100% रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कॉपीराइट देता है। अच्छा, डेली मोशन क्या है, ये तकरीबन 80% आपको फ्री रखता है, 20% चांस होता है कि ये आपको कॉपीराइट इशू दे। अच्छा, तीसरी जो वेबसाइट मैंने रखी है tune.pk, इसके अंदर भी ये एटलीस्ट आप इसको 10% और इंक्रीज़ कर लें। इसके अंदर और भी ज़्यादा ये है कि ये 90% आपको कॉपीराइट के चांसेस नहीं देगा, और 10% हो सकता है कि दे दें आपके कंटेंट के अंदर आपको कॉपीराइट आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, उसके बाद जो मैंने रखा है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हो गई हमारी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने रखी है वेबसाइट्स एंड ब्लॉगिंग। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है वेबसाइट्स एंड ब्लॉगिंग, ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे एक बनाते हैं, ठीक है, आप एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ले लें, आप न्यूज़ चैनल के जो क्लिप्स उसके ऊपर डालते हैं, लोग आते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, उसके आपको अर्निंग मिलती है। अच्छा, ब्लॉगिंग भी वो दोनों सेम ही है, ठीक है, ब्लॉगिंग थोड़ा सा अलग वो मेथड हो जाता है, वेबसाइट्स का एक अलग मेथड हो जाता है, उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग ये लेनी पड़ती है वेबसाइट के लिए। अच्छा, ब्लॉगर के लिए ऐसा नहीं है, ब्लॉगर को सिर्फ अपना एक डोमेन परचेज करना होता है, होस्टिंग उसकी ऑलरेडी समझ लेंगे एक तरीके से फ्री होती है, ठीक है। चौथी चीज़ जो मैंने रखी है वो है सेलिंग वेबसाइट्स, उनके ऊपर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे, पाकिस्तान के अंदर Daraz.pk, ये काफ़ी हद तक लोगों को नहीं पता कि Daraz के ऊपर आप अपना खुद का अकाउंट बना के अर्निंग कर सकते हैं।
अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जनरल स्टोर है, एक्स वाई जी कोई भी आपकी दुकान है, तो आप ऑनलाइन, अभी जैसे एक ये कोरोना का इशू चल रहा है तो इसके अंदर दराज के ऊपर आप अपने स्टोर क्रिएट करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, लोग आएंगे देखेंगे, ठीक है, उनको परचेस करेंगे, आपको रेवेन्यू उसका मिलेगा, दराज के ऊपर ये अभी फैसिलिटी है। तीसरा था हमारा जो इसी के अंदर, अब मैं आपको सेलिंग वेबसाइट्स के अंदर बताऊं, अमेजोन। अमेजोन देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं थी, अब आ गई है, इन्होंने लॉन्च कर दी है। इसके ऊपर आप अपना प्रोडक्ट शेयर करके, इसको पब्लिश करके अर्निंग इससे कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, ये ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में वर्क करे, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, ये आपको दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं वहाँ ये एक्सेस है बिल्कुल। अच्छा, तीसरी है अली एक्सप्रेस, इसके ऊपर से भी आप अर्निंग कर सकते हैं बेहतरीन किस्म। चौथा जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो रखा है फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग मैं आपसे कहूँ कि ये होता है कि आपको एक एम्प्लॉयर हायर कर लेता है कुछ वर्क के लिए अपने काम की नीड के मुताबिक। आप एज अ एम्प्लॉयर उसके पास अपॉइंट हो जाते हैं, आप उसका प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, वो आपको एक प्रोजेक्ट देता है, आप उसका प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, वो आपको आपके जो अर्निंग होती है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। अब फ्रीलांसिंग का देखो सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, आपको ये कोई स्किल्स वगैरह का की कैद नहीं है, कोई टाइमिंग की कैद नहीं, कोई दिन की कैद नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये आप कभी भी जब चाहे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल हैं तो बड़ा ज़बरदस्त, अगर आपके पास वेबसाइट्स के स्किल्स हैं वेरी वेल, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए आते हैं प्रोजेक्ट्स, आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, आते हैं वेबसाइट्स बिल्ड के आते हैं, इसके अलावा बहुत से मतलब 100 प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर आते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। ये भी वेबसाइट्स मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, सबसे पहले अपवर्क, guru.com, फ्रीलांसर के नाम से एक वेबसाइट है, वो खुद इसी नाम से, ऐसी तकरीबन अबव 150 वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांस का काम कर रही हैं। आप इनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके, जस्ट अकाउंट अपना क्रिएट करें और अर्निंग स्टार्ट करें, कोई ऐसी होगी अगर आपके पास स्किल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जब ये अर्निंग का सिलसिला चलेगा मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको कुछ वीडियोस बना के दूंगा, सिखाऊंगा उसके अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैं आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा, जैसे ब्रोशर, आईडी कार्ड डिज़ाइन करना, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, लेटर हेड डिज़ाइन करना, कि ये आप किस तरीके से कर सकते हो, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। वो एडोबी फोटोशॉप के ऊपर होंगे, एलस्ट्रेटर के ऊपर होंगे, और जिनको ये नहीं आता उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कोरल ड्रा के भी आपको वीडियोस पब्लिश करूं, उसके ऊपर भी आपको बताऊंगी आप किस तरीके से कोरल ड्रा के ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ईजी आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप एडोब और एलस्ट्रेटर के ऊपर आपको प्रोजेक्ट आने चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है इसको शेयर करें, ये इट्स अ फ्री, बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई इसके अंदर ये नहीं। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी रखेंगे, एक डे हम वीक के अंदर ऐसा डिसाइड कर लेंगे जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे, जो बच्चे वहाँ उन मेरी वीडियोस से नहीं सीख पा रहे होंगे मैं उनको वहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सिखाऊंगा कि भाई आप लोग इस तरीके से मदद करें, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते वीक के अंदर एक क्लास हम ऐसी रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।